सब्सक्राइब करिए डिजिटल चर्चा चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट और वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है, ऑनलाइन करेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक ऑनलाइन करेंसी की जिसका नाम है बिटकॉइन। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में मैं आज आपको पूरा बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे बनाया जाता है, बिटकॉइन की क्या वैल्यू है, कैसे आप ऑनलाइन बिटकॉइन को कमा सकते हैं और बिटकॉइन के क्या बेनिफिट्स हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल चर्चा पर। और दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ बिटकॉइन के बारे में। आगे चलने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग तरह की करेंसी है, रुपीज़ हैं, डॉलर्स हैं, यूरो हैं और बहुत सारे अलग अलग देशों की करेंसी है। आप में से किसी न किसी के पास कोई ना कोई करेंसी ज़रूर होगी और आप लोग हमेशा इसका यूज़ करते होंगे। आप डे टू डे ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करते होंगे, आप दिन प्रतिदिन जो हमारी चीज़ें हैं, दिनचर्या है, उन चीज़ों को लेन देन करने के लिए इस करेंसी का यूज़ करते होंगे और आप इसको फिजिकली सेंस भी कर सकते हैं। आप इसको छू करके देख सकते हैं कि ये नोट है या फिर एक कॉइन है और हर एक कागज़ के टुकड़े की एक अलग वैल्यू है। कोई 50 रुपये का नोट है तो कोई 500 रुपये का नोट है, कोई 100 रुपये का नोट है तो कोई 2000 का। तो दोस्तों ये वैल्यू जो है ये डिफाइन करती है एक सेंट्रलाइज बॉडी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर RBI है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रलाइज बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है इन सब वैल्यूज़ को और उसके बाद में एक प्राइस डिफाइन करती है हर एक नोट का, हर एक करेंसी का। तो इस तरीके से दोस्तों करेंसी जो है वो बनती है, करेंसी जो है वो यूज़ में आती है। पर अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी करेंसी है जिसको आप ना फील कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना उसका कोई नोट है, ना उसका कोई सिक्का है, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों वही एक करेंसी है बिटकॉइन। दोस्तों बिटकॉइन को पहली बार फाउंड करा था सतोशी नाकामोतो ने 2009 के अंदर। और बिटकॉइन जो है वो ना तो कोई कॉइन है, ना कोई फिजिकल करेंसी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जो कि आपके मोबाइल डिवाइस में या आपके क्लाउड पे या आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है और वहीं से आप इसको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन को ख़रीदा कैसे जाता है, बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, बिटकॉइन को ख़रीदना सही रहेगा या नहीं और बिटकॉइन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन के बारे में और जानना चाहते हैं या किसी ऐप के ऊपर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा पहला लिंक मिल जाएगा, उस ऐप का इस्तेमाल करके आप बिटकॉइन के बारे में और जान सकते हैं। दोस्तों बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो करेंटली चल रही है कुछ $1,316 के आसपास, तो $1,316 की वैल्यू है आज की रेट है बिटकॉइन की। और ये वैल्यू जो है ये अभी तक के अपने पीक पर है। अभी लगभग 2 महीने पहले बिटकॉइन अपने पीक पर था और उसके बाद में ये वापस से अपने पीक पर आ रहा है और ये करंट हाई वैल्यू है बिटकॉइन की। तो दोस्तों बिटकॉइन में ट्रेड करना एक अच्छी बात है, पर बिटकॉइन क्या है, एक वर्चुअल करेंसी है, कुछ लोग उसमें बिलीव करते हैं। और क्योंकि बिटकॉइन की एक लिमिटेड सप्लाई है तो मान लीजिए अगर आपको विश्वास है बिटकॉइन के अंदर, मेरे को है और 5 लोगों को विश्वास है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, तो उस चीज़ से ये होता है कि हम बिटकॉइन के अंदर एक मार्केट डिमांड और सप्लाई जो है वो रूल, जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसको जनरेट कर रहे हैं। और बिटकॉइन की क्योंकि सप्लाई जो है वो थोड़ी लिमिटेड है, धीरे है, उस वजह से बिटकॉइन के अगर ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है। दोस्तों बिटकॉइन ट्रेडिंग का एक और फ़ायदा है कि बिटकॉइन ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फीस हैं जो आपको नहीं देनी होती। मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, बैंक में अगर आप DD कराते हैं या बैंक में आप NEFT करते हैं, IMPS करते हैं, तो अलग अलग लिमिट के बाद में बैंक में अलग अलग चार्जेस होते हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं बैंक को कोई भी बड़े ट्रांजैक्शन करते वक्त। पर बिटकॉइन के अंदर ऐसा नहीं है, आपके पास में एक बिटकॉइन एड्रेस होता है, मेरे पास में एक बिटकॉइन एड्रेस होता है। मान लीजिए आपको अगर बिटकॉइन मुझे भेजना है, आप डायरेक्टली उस एड्रेस पर भेज सकते हैं और पूरा का पूरा जो बिटकॉइन है वो रिसीव हो जाता है। तो ये फ़ायदा है दोस्तों बिटकॉइन का। तो अब मान लीजिए अगर आप बिटकॉइन को लेना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है बिटकॉइन को परचेज कर लें। आप बिटकॉइन को मतलब आप जा सकते हैं अलग अलग, जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप उस टाइप के ऐप्स के ऊपर जा सकते हैं, आप सीधे उसको पैसे दीजिए और आपको वो बिटकॉइन दे देते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये के बिटकॉइन खरीदने हैं तो आप उन्हें 10,000 रुपये पे करिए और 10,000 की वैल्यू पे, करंट वैल्यू पे, मतलब आज की वैल्यू पे जितने बिटकॉइन आ रहे होंगे वो आपको दे देंगे। उसके बाद में आप उन बिटकॉइन को अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं।
अब दोस्तों आप अपने खरीदे हुए बिटकॉइन से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके पास में एक और तरीका होता है बिटकॉइन को बनाने का, वो ये होता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है, चीज़ें हैं जिसको आप बेचना चाहते हैं या सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप उनको पैसे की जगह बिटकॉइन के बदले में दे दीजिए। तो मतलब जब आप अपनी सर्विस देते हैं तो आप वहाँ पर अपने बिटकॉइन एड्रेस पे उनसे रुपए लेने की जगह बिटकॉइन रिसीव कर सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा जो तरीका है दोस्तों बिटकॉइन को खरीदने का या बिटकॉइन को बनाने का, वो है बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग अपने आप में सबसे बड़ा तरीका है बिटकॉइन को बनाने का, और बिटकॉइन माइनिंग के अंदर आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है जिसके थ्रू आप बिटकॉइन को अर्न कर सकते हैं, और आप वो अर्न करके लिक्विडेट करते हैं बिटकॉइन को मार्केट के अंदर, जिसपे आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने पे कुछ बिटकॉइंस मिल जाते हैं। अब दोस्तों गवर्नमेंट करेंसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे मान लीजिए आरबीआई है, तो आरबीआई जब नोट प्रोड्यूस करती है तो वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नोट लिक्विडेट करने हैं, कितने करेंसी नोट्स आने चाहिए मार्केट के अंदर, कितने करेंसी नोट्स कितने टाइम बाद में रिप्लेस होंगे। पर बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है, बिटकॉइन के अंदर एक फिक्स वैल्यू ऑफ बिटकॉइन है जो मार्केट के अंदर आ सकते हैं, और वो आते हैं सिर्फ माइनिंग के थ्रू। तो दोस्तों वो फिक्स नंबर ऑफ बिटकॉइन कुछ लगभग 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, 21 मिलियन बिटकॉइंस ही टोटल मार्केट में आ सकते हैं, और ये अचीव हो जाएगा लगभग 2140 तक, मतलब 2140 तक, लगभग अभी से 120 ईयर्स बाद में आप सारे बिटकॉइन जो है वो मार्केट में ला चुके होंगे। और ये इसलिए करा गया है ताकि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाए, बिटकॉइन की वैल्यू कभी भी कम ना हो। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे माइनर्स हैं जो बड़ी बड़ी पावरफुल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं बिटकॉइन जनरेट करने के लिए। तो जब आप मान लीजिए बड़ा कोई बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ करते हैं, तो ये आरबीआई या गवर्नमेंट की तरह नहीं होता कि आपके चेक के साइन जो है वो वेरीफाई कर लिए जाएँ, या आपका डीडी और आपका अकाउंट नंबर और सब मैच कर लिया जाए, उसके बाद में आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बिटकॉइन के अंदर ये जाता है ब्लॉकचेन टेक्निक के थ्रू, जिसके अंदर बहुत सारे माइनर्स जो हैं वो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। वो यूज़ करते हैं बहुत सारे ऐसे पावरफुल कंप्यूटर्स, पावरफुल जीपीयूज, एसिक्स, और इन सब पावरफुल कंप्यूटर्स की मदद से वो ये मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसके थ्रू वो लिक्विडेट करते हैं मार्केट के अंदर बिटकॉइंस, और वो बिटकॉइन को लिक्विडेट करने पे उनको एक पर्टिकुलर फीस भी मिल जाती है अपने बिटकॉइन को लिक्विडेट करने के लिए। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या है और बिटकॉइन की यूनिट्स क्या है। तो दोस्तों बिटकॉइन जो है वो 8 डेसिमल यूनिट तक काम करता है। अब जैसे हम बोलते हैं 1 रुपए के अंदर 100 पैसे हैं, तो वो 2 डेसिमल पॉइंट हो गए, तो इस तरह से बिटकॉइन जो है वो 8 डेसिमल पॉइंट्स तक काम करता है, और बिटकॉइन की वैल्यू चली जाती है 1 बिटकॉइन से 0.00000001 बिट तक। उसको बोला जाता है 1 सतोशी, और ऐसे ही जब 10 करोड़ सतोशीज हो जाते हैं वो मिलकर के बनता है 1 बिटकॉइन। दोस्तों एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी होगी बिटकॉइन से रिलेटेड, और वो ये है कि बिटकॉइन जो है उसको जब आप यूज़ करते हैं तो वो सब जगह अभी यूज़ में नहीं आता है, मतलब लिमिटेड चीज़ें ही हैं जिसमें आप बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर धीरे धीरे लोगों का बिलीव बढ़ रहा है और बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो बिटकॉइन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करने लग जाएंगी। अब एक बात आती है दोस्तों बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो क्या करनी चाहिए, क्या बिटकॉइन की माइनिंग से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन की माइनिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए आपको, पर आपको एक चीज़ याद रखनी है बिटकॉइन की माइनिंग करते हुए कि जो आप बिटकॉइन की माइनिंग के लिए कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप सुपर कंप्यूटर्स या आप जो GPU ASICs का यूज़ कर रहे हैं, उनकी एक हार्डवेयर की कॉस्ट आएगी, और जब वो चीज़ें काम करेंगी तो उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक पावर कंजप्शन की भी कॉस्ट आएगी। अब आपको देखना ये है कि क्या आपके हार्डवेयर की कॉस्ट और क्या आपके पावर की जो कॉस्ट आ रही है उनको कंबाइन करके आपकी जो बिटकॉइन अर्निंग हो रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो आपको बिटकॉइन की माइनिंग करनी चाहिए, अदरवाइज आपको बिटकॉइन की माइनिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आप जो हार्डवेयर लगा रहे हैं और साथ में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है महीने का, वो कुछ कॉस्ट कर रहा है आपको 1 लाख रुपये, पर आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद में आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है बिटकॉइन का, वहाँ से आप अर्न कर पा रहे हैं सिर्फ मान लीजिए 70,000 रुपये के बिटकॉइन, तो आपके लिए बिटकॉइन की ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। बिटकॉइन के बारे में एक और चीज़ है दोस्तों कि अगर आप बिटकॉइन का यूज़ कर रहे हैं और मान लीजिए बिटकॉइन क्योंकि एक वर्चुअल करेंसी है, एक कंप्यूटर पे एक अकाउंट पे चलती है, और आप उस अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं या आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है या ऐसी कोई केस आपके साथ में हो जाता है, तो आप वो बिटकॉइन को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से बिटकॉइन के बारे में, और आपका जो इंटरेस्ट है और आपकी जो जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी थी बिटकॉइन को लेकर के वो भी यहाँ पे काफ़ी कुछ कवर अप हुई होगी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप हमारे वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। साथ में दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।